checking. 1, 2, 3. Here we go, starting the show of the Friday night on Urdu Mazal Lobby. Saber Rider and the Star Sheriff. I hope it's done. I hope my track is done on downloading. Yeehaw! Your destiny will lead you to where the What she said about me? The most energetic and enthusiastic RJ of UML and its people. All right, welcome once again in the Friday night show with RJ Vortex only on Urdu Mazal Lobby, and I hope everyone is fine and doing good. There are a lot of people here tonight, but show start होने से पहले जो है मेरा radio बहुत ज़्यादा मतलब connect तो हो गया था, लेकिन YouTube हो गया या मेरा UML का जो room हो गया वो बड़ा अटक रहा था. तो then I cleaned the cache of the 7 days, और उसके बाद जो है वो एकदम से मैं वापस आया हूँ room में. And I can't be able to message to the people around me. And Sitara was saying कहाँ है भाई connected. And Rim was saying कहाँ है connected. तो 9:11 PM इस वक्त हो रहे हैं पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम, और मैं हूँ आपका होस्ट RJ Vortex लाइव फ्रॉम उर्दू मतलब लॉबीज रेडियो से. उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, खैरियत होंगे, अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे, और आज हमारे शो में भी एंजॉय करने वाले होंगे, हमारे साथ मिलके इस शो को चार चांद लगाने वाले होंगे, जिसमें हम वेलकम करते हैं हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बड़े दिलचस्प और बड़े मजेदार लोग, जिसमें दिल जी हमारे साथ मौजूद हैं. ही इज ऑल्सो RJ, अ टैलेंटेड RJ ऑन उर्दू मतलब लॉबी. एंड मासी मस्ताना is a sign of Dilji, which she created and become as a character of Masi Mastana and talking with me, and I am doing as Ashraf with her. So he's a very brilliant character here and doing a wonderful RJ. So good luck for his shows. All of them join kinko karenge, welcome hamare sath show mein. Dilji hame welcome kare, thank you so much. Carly ko hum welcome karenge, the professional DJ of Urdu Mazal Lobby. इसके साथ बाबा मेहदी हमारे साथ मौजूद हैं, इनको भी करेंगे वेलकम अपने शो में. मैड हमारे साथ मौजूद हैं, द बैट्समैन जोकर, आपको भी करते हैं साथ में वेलकम. रिम द ब्यूटीफुल पर्सनालिटी ऑफ उर्दू मतलब लॉबी, उनको भी साथ में करते हैं वेलकम. एंड हया हमारे साथ मौजूद है, उनको भी साथ में करते हैं वेलकम. डीजे सितारा, वन ऑफ माई लवली सिस्टर, ऑल्सो लिव ऑन द प्लेनेट ऑफ उर्दू मतलब लॉबी, उनको भी साथ में करते हैं वेलकम. ऑसम को भी करते हैं साथ में वेलकम. सलीना जो है वो आई थी, उनके ऑफिस की काम की वजह से वो लेफ्ट कर गई हैं. आई होप शी do and did complete all the work of her office and get back to our show and electrifying with us. Krypton jo ke Romy mein change ho gaye hain, unko bhi karte hain saath mein welcome. Iske saath owners mein hamare saath founder mein Wasi maujood hain, Harry maujood hain, Haya maujood hain, Harry as a Pintu maujood hain, Silent Eyes and Emily, in sabko karte hain welcome. Engineer hamare saath maujood hain, unko karenge welcome. And Sanam hamare saath maujood hain, Sanam ko karte hain welcome. And Olive is newly joining Urdu Mazal Lobby. Aflatoon is also here, so we give a welcome him as well. तो थोड़ा सा आज हमारी तैयारी थी, एंड ट्रैक वॉज नॉट बी एबल टू डाउनलोडिंग, और थोड़ा सा फंस रहा था, एंड मैंने उसको ट्राई किया है कि वो हो जाए. तो बहुत टाइम हो गया जिस टाइम पर मैं शो करता था, और शो करने के साथ साथ मुझे कहते थे कि आप जो है वो रैप क्यों नहीं करते. एंड वैन आई केम हेयर अक्रॉस उर्दू बिटवीन दिस वर्ल्ड एंड उर्दू मजल लॉबी, उसके अक्रॉस में जब यहाँ आया तो मैंने देखा कि हार्टलेस यहाँ पर रैप कर रहे थे, फिर खाकसार ने भी यहाँ पर रैप किया. तो मुझे थोड़ा सा ना हुआ कि यार अब करना चाहिए, बिकॉज आई वॉन्ट टू गिव सम मोर टू माई फैंस, सम मोर, सम डिफरेंट.
फ्रॉम दिस प्लैनेट. तो मैं सोच रहा था कि मैं ऐसा करूं. एमन ने हमें ज्वाइन किया, कह रहे हैं वेलकम कौन ब्यूटीफुल पर्सनैलिटी. यू आर ऑल्सो अ ब्यूटीफुल पर्सनैलिटी एंड यू नो रिम के बारे में तो आप जानती होंगी. शी इज अ स्टार ऑफ द उर्दू गजल लॉबी एंड यू कैन कॉल हर प्रिंसेस. तो अब यहाँ पर जो है ये दोनों एक्चुअली दोस्त हैं आपस में. बचपन में कहीं खो गई थी कुंभ के मेले में, अब वापस यहाँ उर्दू मदर लॉबी पे आके मिल गई हैं. मैं एमन और रिम की बात कर रहा हूँ. बावा मेहदी जो बावा जी थे वो बावा मेहदी बन चुके हैं. और आप लोग उम्मीद करता हूँ कि इस शो को इस आने जो आज यहाँ पे हेल्ड हुआ है फ्राइडे नाइट ऑन उर्दू मदर लॉबी विद आरजे वोटेक्स, आई होप यू गाइस एंजॉय एंड इलेक्ट्रीफाइंग योर हार्ट्स विद मी टुनाइट. सो लेट्स स्टार्ट द ट्रैक फर्स्ट हियर फॉर माई फैंस. एंड ओके, आज मैं थोड़ा सा अलोन हूँ, आज मैं थोड़ा सा एनर्जेटिक हूँ. आई हैव टू गो आफ्टर दिस शो टू द दावत, टू द इवेंट ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम माय फैमिली कॉलिंग मी फॉर डिनर. तो हम यहाँ पर एक ट्रैक कौन सा प्ले ऐसा करें जो कि बहुत ही ज़बरदस्त ट्रैक हो, उसके बाद हम आगे करते हैं कुछ रैप शैप एंड दी अदर थिंग्स विच आर वेटिंग फॉर अस. सो गाइज, पहला ट्रैक है यहाँ पर जो कि हमें रिम ने एड ऑन कराया था और इनके नाम करते हैं इस ट्रैक को, और आप सबके नाम करते हैं, आपको डेडिकेट करते हैं. इन्होंने कहा था मेरी तरफ से सबको जो है ना ये ट्रैक डेडिकेट करेगा जब मैं आपको दूंगी. तो रिम, आपकी तरफ से जो ट्रैक आपने दिया है अपने अपने फ्रेंड्स को जो यहाँ मौजूद हैं, डेफिनेटली हम उनके लिए ट्रैक प्ले करेंगे. और आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, शुरुआत करेंगे थोड़ा सा रैप, थोड़ी सी बातें, थोड़ा सा देंगे आपको टॉपिक और करेंगे कुछ चिल पिल ऑन उर्दू मजा लॉबीज रेडियो विद आरजे वोटेक्स एंड हिज फैंस. Let's enjoy the upcoming track which is dedicating by Rim to her friends and enjoy together. We will be right back. Stay connected and keep electrifying with the radio of Urdu Mazal Lobby. So guys, here comes the first track. Ready, steady and go. बस में जब गाए तू
with extreme minors and take what's out. They gon' take your face off. Boy, like Gomer, can he drop? Cause bully, we can rumble like Jackie in the Bronx, we gon'. ऑलराइट, वेलकम करते हैं एक बार फिर से उन सब लोगों को जो हमारे साथ मौजूद हैं और सुन रहे हैं आरजे वोटेक्स की आवाज ऑन द रेडियो पर मजा लॉबी पे। उम्मीद करते हैं सब लोग खुश होंगे, खैरियत से होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। और पहला ट्रैक सबने जो है वो लाइक किया, एंड दिल जी कह रहे हैं कि अशरफ को लेकर आए। तो अशरफ यहाँ मौजूद है यार, अशरफ आ गए आपके पास और दिल जी को कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से आपको। और उम्मीद करते हो मासी मस्ताना जो है वो बिल्कुल ठीक होंगी और वो खुश होंगी और अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रही होंगी। दिल जी को मेरा ये मैसेज है, वोटेक्स भाई आप इनको दे दें। यार अशरफ, मसला ये है कि मुझे करना है रैप और मुझे लोगों ने यहाँ पे कहा है कि आप जो है ना वो रैप करें जो आपको सही लगेंगे। पब्लिक कैसा होगा यार, मैं थोड़ा सा शिवर फील कर रहा हूँ। अरे नहीं नहीं वोटेक्स भाई, रैप ही तो है, कोई मसला थोड़ी है यार। आप ट्राई करो, देखा जाएगा, तो मसला नहीं है, लोग माफ कर देते हैं अगर गलत हो भी जाता है तो। आपका तो वन टेक वन शॉट है, देखते हैं कैसा आप करते हो, मसला थोड़ी है। बाकी माफी मस्तानी संभाल लेगी यार आगे बाद में अपने शो में। अच्छा अगर तुम कहते हो तो ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। अगर ऐसा हो जाता है तो फाइंड आउट कि क्या होता है और किस तरह का रैप जाता है। और आज वाकई एक आज़ादी सी मिली हुई है मुझे। और तो माइक को तेज करते हैं पहले। ओके माइक जो है वो अब तेज हो गया है। और अशरफ तुम्हें भी सही से आवाज आ रही होगी। हाँ वर्जिन भाई, मुझे बिल्कुल सही आवाज आ रही है और बिल्कुल सही आपका जो है ना वो रैप जा रहा है। और आप ट्राई कर रहे हैं, अब इंशाल्लाह आप जो है ना वो कामयाब हो जाएंगे। तो ओके ओके अशरफ, विश मी लक एंड लेट्स सी। अब हम रैप करने जा रहे हैं, देखते क्या होता है यहाँ पे ना, लोग क्या रिएक्शन देते हैं हमें। वैसे तो जब नए नए आते हैं ना आरजे, लोग बोलते हैं कैसा आरजे करेगा, क्या होगा। अरे नहीं नहीं अशरफ यार, वर्जिन भाई ऐसा कुछ नहीं होता यार, टेंशन नहीं लो, अशरफ आपके साथ है यार। Thank you so much, Ashraf, for being with me and I'm trying my best to rap here. And Dil ji, humse keh rahe hain, RJ Vortex, welcome Mastani ko message mil gaya tha. Kya baat hai? RJ Mastani ko mera message dene ka bahut bahut shukriya, Ashraf ka salam kehna unko. Haan, usne keh diya, walaikum salam, sab kuch ho gaya yaar. Ab chalte hain, thoda sa rap ki taraf badhte hain. Time bahut, ek to na, jab show shuru hota hai na yaar, Ashraf, 14 minute abhi guzar gaya, pata hi nahi chala, 5 minute pehle, uske baad na, 5 मिनट पहले ऐसा लगता है 10 बजने में जब 5 मिनट होते हैं ऐसा लगता है कि स्कूल की घंटी बज गई है, रिंग बज गई है, दूसरे टीचर आके खड़ी हो गई, क्लास का पीरियड ओवर हो गया और उसको फटाफट जो है ना क्लास देनी है उनको। तो रैप अप करो और जनरल वर्नल अपने बंद करो, उसके बाद फटाफट बुक द्वारा बंद करो, उसके बाद नई बुक्स निकालो, फिर वो टीचर को मुंह दो जाके। और कैसे आपने होमवर्क किया कि नहीं किया? हाँ ऐसे ही कुछ है। हाँ यार वर्टिंग भाई, मेरे साथ भी ऐसे होता, मुझे बड़ी मार पड़ती थी जिस मैं क्लास में पढ़ता था, वहाँ पे बड़ी मार पड़ती थी टीचर से मुझे, तो बड़ा मसला हो जाता था मेरे लिए। और मैं तो, तुम क्या क्लास में भी मावे खा रहे होते? हाँ मैं तो मैं छुप के टीचर से खा लेता था, पीक जो है वो साइड पे फेंक देता था, कोई मसला थोड़ी है यार, मैं एडजस्ट कर लेते हैं, तो आदत हो गई है पिट के हमें। नहीं नहीं यार, क्लास में मत खाया करो, क्लास को साफ रखा करो, भले उसके बाद जाके जो है ना, मैं तो बोलता हूँ खाया ही नहीं करो। ऐसे पान तो एक सौगात है, दादा दादी के जमाने से चलती हुई आ रही है। अब हस्बैंड टेस्ट तुम ले सकते हो उसमें जो भी तुम डलवाना चाहो। अशरफ तुम तो बड़े हो गए हो, मैच्योर आदमी हो गए हो, तो तुम्हें तो अंदाजा हो गया हो। हाँ यार वोटेक्स भाई, मैं तो मिक्स पट्टी का पान खाता हूँ, टेंशन ही नहीं है कोई, मेरे लिए तो एक टॉफी की जैसा है बिल्कुल। नहीं नहीं फिर भी टोबैको इज इंजीरियस टू हेल्थ, वजारत सेहत हुकूमत पाकिस्तान, अपना ख्याल रखो अशरफ। अब रैप की तरफ चलते हैं, बहुत टाइम हो गया। वी हैव टू डू दिस, वी हैव टू डू मोर फॉर द पीपल हियर टुनाइट ऑन उर्दू मज़ा लॉबी। ओके गाइस, लेट्स स्विच टू द ट्रैक। द मैं पहले आपको बता दूं कि मैं जो रैप करने जा रहा हूं, इट वॉज वन ऑफ माई फेवरेट रेसलर ऑफ ऑल टाइम, द रॉक, हुम गिविंग सो मच एनर्जी इन द रेसलमेनिया, एंड नाउ आई एम गोना रैप हिज रैप इज कमिंग ऑन यूट्यूब एंड वी गोना डू दिस, एंड आई होप एवरीवन इज अंडरस्टैंड दिस, स्पेशली कार्ले इज हियर, सो वी शुड टेक आवर रिस्पेक्ट। तो वी हैव टू डू दिस मोर टू आवर फैंस, मोर टू आवर पीपल। एंड सारा दिन हमें ज्वाइन किन को करेंगे साथ में वेलकम। बहुत ही क्लम्जी सी एक स्टार हैं, एक रेडियो जॉकी हैं यहाँ उर्दू मजा लॉबी में, बड़े दिल से शो करती हैं, जो मुंह में आता है वो कह देती हैं बगैर ब्रेक लगाए। इसके साथ जो है वो मैं मुझे फिर भी इनका शो पसंद है। एंड हया ने हमें यहाँ ज्वाइन किया, हया को भी वेलकम करेंगे। एंड लेट्स स्विच टू द रॉक्स रैप नाउ, इट्स टाइम टू डू दिस। ओके गाइस, तो इसको स्लो करते हैं, पहले रॉक के गाने के साथ ही चलेंगे, इसके बाद हम अपना रैप करेंगे, फिर हम रॉक का रैप प्ले करेंगे। रेडी? आर यू रेडी? ओके आई एम रेडी।
season. All right, get ready. It's about drive. It's about power. Like Jackie and Bronx, we're going. All right, first I'm doing, and then Rock is coming. Get ready for this. Yo, it's about drive. Yo. It's about drive, it's about power. We say hunger, we devour. Put in the work, put in the hours and takes. What's ours? Black and Samoan, my veins, my culture banging with strange. I change the name. So what's my radio's name? Botax. Desecration, defamation, if you want to bring it to the masses. Face to face, now escalation. When I have put some boots to asses, mean on you, like a dream when I'm rumbling, you are grinning. Gonna stream mama, so bring drama to the king Brahma, come in with a stream mana. So, thank you to the Rock. Thank you to the UML and my fans. One take, that's a wrap and face off. Let's switch to the wrap of Rock, which I doing here on air in Urdu Mazal Lobby. And Dilji saying, apna time aayega, RJ ko kaun si chudail chamad gayi on air. चलो एक बार हम और ट्राई करते हैं इसको और बोलो आप लोग You about drive, it's about power, we eat hunger, we devour, put in the work, put in the hours and takes, what's ours? So guys, this is the wrap of Rock here tonight. I'm just playing for you guys and the track is not working with me, with the Rock. मैं आप लोगों को वो जरूर सुना था, तो उसको try करेंगे अगर वो हमारे साथ गाना गाना चाहेंगे तो, और उनका भी rap हम सुनेंगे जो मैंने यहाँ पर play किया, तो मैं उसको थोड़ा सा यहाँ पर देखता हूँ उस track को, क्योंकि जो track है वो definitely play नहीं हो पा रहा है downloading की वजह से, या Sam उसको accept नहीं कर रहा है. तो ये था हमारा आज का जो रैप था जो मुझे करना था यहाँ पे. एंड वन लास्ट ट्राई इफ इट्स वर्किंग. It's about drive, it's about power. We stay hungry, we devour. Put in the work, put in the hours, and take what's ours. Like in Samoan in my veins, my culture banging with strange. I change the game, so what's my motherfucking name? What they gonna get though? Desecration, defamation. If you wanna bring it to the masses, face to face, now we escalating. When I have to put boost to asses, mean on ya. Like a dream when I'm rumbling, you're gonna scream, mama. So bring drama to the king, Brahma. Oh, that's with extreme mana. Welcome to the extreme mana. Thank you, brother Tech 9. All right, thank you, brother Tech 9 and The Rock for this rap giving on the YouTube. Let's switch to the other track. And ये हमारा rap था जो हमने आज इसको start किया और मैं इसको कल से practice कर रहा था. And it's going happen with one shot here. And thank you so much for Rock for giving this rap like us. And I really like this rap. और अब हम चलेंगे next track की तरफ. और यहाँ पर जो है वो सारा अली ने हमें join किया with her wonderful DP. I think her wedding DP, ये इनकी शादी की DP है जिन्होंने यहाँ लगाई है. और बड़ी ज़बरदस्त लग रही है ये मुझे. और very very good and God bless सारा अली. इसके साथ हम चलेंगे यहाँ पर आ गए. कार्ले जो है वो रेसलिंग के फैलाना शुरू कर दिए. एंड साइलेंट को भी वेलकम करते हैं. एंड आई मोस्टली लाइक जॉन सीना एंड रॉक ऑन दी अदर साइड. तो दोज बोथ आर माई फेवरेट आइकॉन्स इन रेसलमेनिया. एंड हैज सेइंग आरजे ये रेडियो है आपको सब सुन रहे हैं, मूवी नहीं लगी. ओह सॉरी, मुझे आपके कमेंट्स से बड़ा डर लगता है यार. मुझे मेरा मतलब आप डांटती है ना, ये आपके जो एक शार्पनेस के साथ जो कमेंट्स आते हैं जो एकदम उड़ा दे बंदे को, वो मुझे उससे डर लगता है. लेकिन मूवी हो या फिर ये रेडियो हो या सब सुन रहे हो, दे रियली एंजॉइंग विद मी. आइदर आई एम ऑन द रेडियो और ऑन द मेन चैट, जस्ट ट्रस्ट मी, यू कैन फील इट.
मैं आपको दिखा देता हूँ भी हैं, जितने मेरे फैंस हैं वो आपके सामने भी बताएंगे कि उनको मजा आया या नहीं आया। सो गाइस, जिन जिन लोगों को मजा आया यहाँ पे वन प्रेस करें काइंडली, आई वांट टू सी मेरे कितने लोगों ने मुझे सुना और उन लोगों को मजा आया हमारे साथ, हमको बताना है हया को कि हम लोग किस तरह से इंजॉय करते हैं मजा लॉबी में। मसनवी ने ज्वाइन किया, मसनवी को साथ में वेलकम करेंगे। इमन कह रही है आरजे आपको भी कर देनी है उससे ऐसे ही, भाई इसकी रिकॉर्डिंग दोबारा यूट्यूब पे आ जाएगी, ये रैप मैंने इसलिए किया है ताकि आप लोगों को थोड़ा मजा आए, और अभी हम दूसरा रैप करने जा रहे हैं तो वो जो रैप होगा ना वो बड़ा मजेदार होगा और वो थोड़ा सा सरप्राइज होगा, तो अभी हम चलेंगे अभी जाएंगे दूसरी तरफ, दूसरे स्टेज की तरफ, सब फ्राज में अभी नहीं खोलने वाला यहाँ पे। तो मेन्यू देते हैं आपको, देखें वन प्रेस कर दिया रिम ने, उसके साथ और भी लोग अभी वन प्रेस करने वाले हैं, अच्छा दिल जी ने भी वन प्रेस कर दिया, थैंक यू सो मच गाइस। और अभी हम और इसको जो है ना एनर्जेटिक बनाएंगे, अभी तो शो स्टार्ट हुआ पहले से, इट्स टू अर्ली टू जज यू नो। एंड द सेकंड थिंग इज होटल मेन्यू टॉपिक था, और ये टॉपिक ऐसा है कि फॉर रिस्पेक्टेड लेडीज अगर वो मेरे साथ होटल जाएं, जाना पसंद करें तो बात अलग है, अगर लेडीज अपनी सहेलियों के साथ या अपनी जो यहाँ सहेलियां उनके साथ होटल में जाना पसंद करें तो वो मेन्यू में क्या लेना पसंद करेंगी, वहां पे मेन्यू में वो क्या ऑर्डर करेंगी ऐसी डिश। आज का जो ये टॉपिक है हमारा कि जब आप होटल के लिए जाएं, फैमिली के साथ जाएं, जो आपके दोस्त हैं या उनके साथ जाएं, मेरे साथ तो यहाँ पे गाइस जा सकते हैं, दिल जी चले जाएंगे, तो आप क्या लेना पसंद करेंगे मेन्यू में वो आप हमें बताएंगे। एंड हम चलेंगे यहाँ पर एक ट्रैक की तरफ, आप लोग सोच के रखें इस टॉपिक का आंसर कि आप लोग अगर होटल जाएं, मुझे ये बताना है कि आप किसके साथ जाना पसंद करेंगे, आइदर यहाँ पर आपके कोई दोस्त हैं या फैमिली या फिर मेरे साथ, तो आप वो लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, और आप वहाँ क्या मंगवाएंगे मेन्यू देखकर वो आप मुझे डिसाइड कर सकते हैं, और अभी मेन्यू आपके सामने हाजिर हो जाएगा इस ट्रैक के बाद। तब तक के लिए आप लोग सोचें इस टॉपिक का जवाब। एंड वेलकम वंस अगेन एवरी पर्सन हु आर ज्वाइनिंग मी ऑन द रेडियो, अलादीन ने हमें ज्वाइन किया, इनको करेंगे साथ में वेलकम। माहिया इज ऑल्सो हियर, द न्यूली आर जे हेड ऑफ उर्दू मजल लॉबी, इनको भी करते हैं वेलकम अपने शो में, और हम चलेंगे ट्रैक की तरफ यहाँ पर। और आप लोगों को टॉपिक मैं दे चुका हूँ, तो आप लोग सोच के रखें इसका क्या आंसर है और मुझे दे दें, मेन चैट पर आप लोग अपना जो आंसर है वो टाइप कर सकते हैं कि आप लोग होटल किसके साथ जाना पसंद करेंगे और वहाँ क्या पसंद करेंगे मेन्यू में। एंड लाइबा कयानी ने हमें ज्वाइन किया, लाइबा कयानी को वेलकम करेंगे अपने शो में, और हम चलेंगे एक ट्रैक की तरफ और आएंगे एक ब्रेक के बाद। तब तक आप लोग इस ट्रैक को एंजॉय करें एंड आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। इट्स 25 मिनट्स अगो, वी आर स्टार्टिंग द शो हियर टुनाइट एंड इलेक्ट्रिफाइंग आवरसेल्फ ऑन उर्दू मजल लॉबीज रेडियो। लेट्स एंजॉय दिस ट्रैक टुगेदर एंड सी यू आफ्टर द ट्रैक। वेलकम करते हैं द आइकॉनिक पर्सनालिटी ऑन उर्दू मजल लॉबी मिस्टर बनी। दिल डूबा डूबा मुझको रैबिक आंखों में, आज लूटा लूटा मुझको फरेबी बातों ने, दिल डूबा डूबा मुझको रैबिक आंखों में, आज लूटा लूटा मुझको फरेबी बातों ने, दिल से डूबा डूबा मुझको फरेबी तू आंखों में, आज लूटा लूटा मुझको फरेबी बातों ने, खामोश
है तू, अभी भी मस्त है तू, Friday night with RJ Vortex on Urdu Maza Lobby, and there are wonderful, wonderful people who are joining us. The Bunny, hey, what's up, Doc? And Bunny, हम कर रहे हैं एक ट्रिकर दे रहे हैं मेन पर RJ भंगड़ा Vortex on air. Thank you so much, brother, and you are enjoying our show. Carly is doing a Ritik's strap on the main chat with the GIF. Rim is also dancing, and Sitara is also pressing one. Thank you so much, my lovely Behna. Romy ने हमें join किया, इनको welcome करते हैं. एक सवाल है, बिल्कुल आप 10 पूछें, कोई मसला नहीं है. I'm on air right now. And Aladdin जो है वो जा रहे हैं, उनको Aladdin Park जाना है. अल्लाह हाफिज कहते हैं, टेक केयर, बाय बाय. खूब झूले झूलिएगा और हमें आके बताइएगा आपने कितने पैसे खर्च किए झूले में. इसके साथ ओलिव को ट्रैक पसंद आया, थैंक यू सो मच ओलिव. एंड हमारा जो टॉपिक था वो ये था कि होटल मेन्यू टॉपिक क्या लेना पसंद करेंगे आप लोग और किसके साथ जाना पसंद करेंगे होटल पे. तो ये हमारा आज का मेन्यू था और मेन्यू हम बता देंगे आपको आफ्टर द ट्रैक. और हमें ज्वाइन किया है इसके साथ, हमारे साथ दिल जी मौजूद हैं, इनको वेलकम करते हैं दोबारा से. सारा अली हमारे साथ मौजूद हैं और उन्होंने हमसे कहा टॉपिक के हवाले से, वो कहती हैं कि आरजे मैं मेन्यू में बिरयानी लूंगी विथ रशियन सैलेड एंड गोलगप्पे, चना चाट, जलेबी और अगर अवेलेबल हुई तो LOL एंड मतलब जलेबी अवेलेबल हुई तो LOL यानी लाफिंग आउट लाउड एंड हॉट लावा केक वो लेना पसंद करेंगी विद स्प्राइट. My choice is Sprite. उनकी फेवरेट कोल्ड ड्रिंक Sprite है. So this is really good. सारा अली ने हमारे साथ टॉपिक पे पार्टिसिपेट किया and she sharing her dishes with us which she like. और ये सब उनको USA में तो नहीं मिलता होगा definitely. Which she mentioned here. उन्होंने यहाँ जो भी dishes mention करी वो USA में तो available है. बहुत कम होंगी, बिरयानी मिल जाती होगी आपको, Sprite मिल जाएगी, hot lava cake मिल जाएगा. But if you talk about गोल गप्पा and चना चाट, forget about it. And Russian salad is also available. तो ये आप ले सकती हैं सारा अली, आपके कंट्री के हिसाब से मैंने आपका मेन्यू बता दिया है. इसके साथ और मैं बाकी के कमेंट्स पढ़ने जा रहा हूँ. माइश ने हमें ज्वाइन किया है, माइश को करेंगे वेलकम. मैट इज आल्सो हियर, मैट को वेलकम करते हैं. एंड और किन किन लोगों ने जो है वो बताया है. नो सितारा कह रही है बेचारी माइया को रेडियो ऑन करें, सपोर्ट करें आरजे को प्लीज. बेचारी मेरी प्यारी सी बहन, देखो कितनी मेहनत कर रही है अपने भाई के लिए. Don't worry. I don't need that. मेरे जो लोग हैं, जो सुनने वाले हैं, जो कंपलसरी आइटम्स हैं, वो यहाँ मौजूद होते हैं जब मेरा शो शुरू होने वाला था. I don't need any support. They doing by themselves. मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगता है. तो it's okay. Whomever join here is enjoying the party and the others are after the YouTube. They are listening the recording. So don't worry about the enjoyment of
माई शो एंड इट्स ओके, थैंक यू सो मच सितारा। अफलातून हमारे साथ मौजूद हैं और वो यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने हमें बताया था, एक जवाब दिया था टॉपिक के हवाले से। वो कह रहे थे आरजे कोई भी मेरे साथ होटल जाए खाना खाने, बट एक शर्त है, जो एटीएम यूज होना है वो सामने वाले का होना चाहिए। मीन्स अफलातून कह रहे हैं कि अगर मैं तो एटीएम कार्ड लेके नहीं जाऊंगा, अगर मैं होटल गया किसी के साथ तो डेफिनेटली दूसरे का एटीएम कार्ड यूज होगा, तो वो पैसे देगा जो भी मैं खाना खाऊंगा, ठीक है अफलातून। और अगर उसके पास भी एटीएम कार्ड नहीं हुआ तो आप उसके साथ मिलके बर्तन धोने के लिए रेडी रहिएगा, पूरी रात की शिफ्ट लगेगी, बर्तन धो के सुबह आपको घर जाने दिया जाएगा, ऐसा होटल वालों का रूल है। तो इसके साथ जो है वो दिल जी ने हमें बताया था, टॉपिक का आंसर दिया था आरजे वोर्टेक्स, वो पास्ता पिज्जा वेजिटेरियंस ये ऑर्डर करेंगे मेन्यू में, ठीक है जी आप कर सकते हैं। और आप अफलातून भी पिज्जा के मूड में थे, उन्होंने तो बाकायदा एक जिफ भी भेज दिए पिज्जा की यहाँ पे, तो दिस इज रियली गुड। और देखते हैं जी कौन कौन हमारे साथ जो है वो टॉपिक पर इस वक्त बता रहा है और क्या होने वाला है इस टॉपिक का आंसर जो हमें लोग देंगे। सारा लिखा रही है आरजे मेरा इतना बड़ा मैसेज, व्हाट डू यू इग्नोर, कौन सा मैसेज इग्नोर किया, मैंने पूरा मेन्यू बता दिया आपको। अच्छा ये पहले की लाइन होगी, ठीक है। आरजे केक मिलता है यहाँ पर, वो कह रही है रशियन और बिरयानी, रशियन सैलेड और बिरयानी भी मिलती है, चना चाट बड़े मजे की मिलती है, गोलगप्पा, आई मिस द मोस्ट माई फेवरेट जलेबी, उनको ये जो है वो चीजें यहाँ पर जलेबी और अल्लाह अल्लाह गोलगप्पा वहाँ नहीं मिलता। आई एम रियली सॉरी, आई नो यू मिस द मीठी चटनी एंड द खट्टी चटनी विद गोलगप्पास एंड द छोलाज इनसाइड सारा अली, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, बट वेन एवर यू केम इन पाकिस्तान आप अपने खर्चे पे इसको जरूर खाइएगा। इसके साथ जो है हेलो ने ज्वाइन किया था वो चले गए हैं लेफ्ट रूम, लाइबा खुबानी ने भी ज्वाइन किया था उनको वो भी चली गई हैं लेफ्ट रूम, इट्स ओके। एंड हसल ने हमें ज्वाइन किया, हसल लॉयल्टी एंड रिस्पेक्ट इज ऑल्सो हियर, इनको भी वेलकम करते हैं अपने शो में। एंड साइलेंट ने दोबारा ज्वाइन कर लिया है, हाफ स्पेलिंग ऑफ साइलेंट, इनको भी साथ में वेलकम करते हैं। सितारा मुझे कह रही है मुझे आइसक्रीम पिज्जा गोलगप्पे कढ़ाई गोश्त पिंक टी, क्या बात है सितारा आपकी, लाजवाब। और क्या इन्होंने मेन्यू बताया ना होटल का, मजा आ गया है, मुंह में पानी है, माउथ वाटरिंग हो गया है इस वक्त ना। चले चलते हैं एक ट्रैक की तरफ, आई नो आई लव द पंजाबी रैपर एंड ही इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट आइकन ऑफ माइन हुम यू कैन कॉल बिलाल सईद इज द नेक्स्ट ऑन द ट्रैक, अपकमिंग ट्रैक, लेट्स एंजॉय दिस ट्रैक टुगेदर। आते हैं एक ब्रेक के बाद, फिर बात करेंगे मेन्यू के हवाले से, और काफी सारे लोगों ने अपनी अपनी डिशेस यहाँ शेयर करी, बड़ा मजा आ रहा है, एक होटल खोल दिया हमने यहाँ पे उर्दू मदर लॉबी में फ्राइडे नाइट को, आरजे वोटिक्स उसके होस्ट हैं, और आप लोगों ने जो जो मंगवाना है वो आप लोगों के सामने इस ट्रैक के बाद पेश किया जाएगा। स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग द अपकमिंग ट्रैक ऑफ बिलाल सईद, विल बी राइट बैक। Oh man, Bilal, I love your voice, man. पहली बार किसे नाल नजर मिलाया सी, असा तेनु दिल दिया रिजा सुनाया सी, पहली बार किसे नाल नजर मिलाया सी, असा तेनु दिल दिया रिजा सुनाया सी, पर बेवफा समझया ना दिल दे मेरे दर्द नु, अखा पाके हस के वखाया सी, सानू नी तू झूठे मोटे लारे ते लाया सी, अखा विच अखा पाके हस के वखाया सी, सानू नी तू झूठे मोटे लारे ते लाया सी, सहंदा रहा दिल मेरा तेरे मिले दर्द नू, रहना किसी नाल प्यार समझ न सके तेरे फरेबानू, करता रहा मैं खाली तेरे उते जेबानू,
रोवेगी तो कल लाके फोटो मेरी अपने नु रवेगी सदा बेकरार करेंगी पेंट मेरी वीर दी शर्ट बाबा शीर दी ते टाई चाचे नसीर दी कोट वड्डे भाई दा लुंडे दे तू लाई दा फिट शिट करा के दो भी तू धुवाई दा सेंट शेंट ला दे शौक नाल पाई वा बस 200 रुपए विच बाबू बन जाई दा फिटे मुँह महंगाई दा सोनिए तू न करदा नहीं मेरा प्यार झूठा है तेरा प्यार सोनिए लेट्स कंटिन्यू झूठी हाँ हाँ तू झूठी पवे नाले जिनी देर लगे तू फेर मुड़ के मेरे वेड़े पर सुन मेरी गल जे तो आने का फल लगन नहीं दांग में नेड़े जा जाके तुझे आसमां लगे जरा तू थोड़ी जगदी हवा उतने कजू तो तेरा नशा नशा फिर पता ना फिर बननी नी गल लभना नी तेनू इस मसले दा हल कहेंगी तू मैनू आके सोरी जानू अगो मैं कहांगा तेनू ओ चल लंघ जांदे वेले जेड़े मुड़ के नी आंदे नी साडे वांगू सारे नी ओ लाके नी बोंदे नी भुल जांगा तेनू नी मैं कीता इरादा नी उड़ के ना वेखांगा तू रख ले वादा नी तेरी अखतावां दियां पावेंगी सजावां नी तू रब दी फिरेंगी Bilal Said feed by RJ Vortex. ऑलराइट वेलकम करते हैं एक बार फिर से सबको। इस वक्त हमने जो फीड किया बिलाल सईद के गाने के साथ, पैंट मेरी वीर दी शर्ट बा बशीर दी टाई चाचे नसीर दी कोट बड्डे भाई दा लुंडे ने तू लाई दा फिट शिट करा के धोबी तू धुवाई दा सेंड शेंड लाई दा शौक नाल पाई दा बस 200 रुपए विच बाबू बन जाई दा फिटे मुंह महंगाई दा। थैंक्स फॉर डेडिकेटिंग विद दिस पोएम बाय रिम। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी एवरी टाइम व्हेन आई एम डूइंग अ शो हियर ऑन उर्दू मजा लॉबी। ग्रेट एफर्ट्स एंड क्रेडिट गोज टू रिम फॉर दिस पोएट्री विच आई एम रैपिंग विद बिलाल सईद सॉन्ग एंड फीट फॉर यू गाइज। आई होप यू लाइक द पोएट्री विच रिम्स सेंडिंग मी। बिन्यामिन ने हमें यहाँ ज्वाइन किया, इनको करेंगे वेलकम। हमारे साथ जीरज मौजूद है। हैव अ कॉफी विद उर्दू मजा लॉबीज रेडियो एंड एंजॉयिंग द शो ऑफ आरजे वोर्टेक्स। जीरज को करेंगे यहाँ पे वार्म वेलकम। इसके साथ कार्डे हमारे साथ मौजूद हैं, हसल हमारे साथ मौजूद हैं, इनको भी साथ में करते हैं वेलकम। रूमी इज ऑल्सो हेयर, उन्होंने कुछ सवाल किया था बट वो वापस आया नहीं, उनको भी वेलकम करते हैं। एंड बात हो रही थी पोएट्री के हवाले से, तो आई होप आप लोगों ने इसको लाइक किया होगा और बनी को तो बड़ा मजा आया। वो जिस तरह से उनके इम्प्रेशन आ रहे हैं, डेफिनेटली इट मेक्स मी गिविंग मोर एनर्जी एंड आफ्टर दैट एंड ऑल। सो बात हो रही थी, यहाँ पर हमारा एक टॉपिक था गाइज, और वो टॉपिक था होटल के मेन्यू टॉपिक के हवाले से। आप क्या लेना पसंद करेंगे और अगर आप में मेरे साथ किसी होटल में जाएं तो आप मेन्यू में क्या ऑर्डर करेंगे, और अगर ना जाना चाहें तो भी कोई मसला नहीं है। It's a very difficult task to deal those things together. And मेरे साथ जाके आप क्या लेना पसंद करेंगे वो भी आप मुझे बता सकते हैं। आप अकेले भी जा सकते हैं, किसी दोस्त के साथ भी जा सकते हैं, चाहने वाले के साथ भी जा सकते हैं, अपने अजीजों के साथ भी जा सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ भी जा सकते हैं, किसी के साथ भी होटल जा सकते हैं। जस्ट शेयर द मेन्यू इन उर्दू मजा लॉबी। और अगर मैं होटल जाऊंगा तो मैं वहां क्या क्या ऑर्डर करूंगा वो मैं आपको बता देता हूं अभी। और मैं यहां पर जो है वो अपने सारे फैंस के साथ जाना पसंद करूंगा, और सब ने अपना अपना बिल खुद देना है। और मुझे पता है सबसे पहले जो है वो रिम कुर्सी छोड़ के भागेंगी, और साथ में उनके होंगी सारा अली पेश, जो कि होटल को में तहलका मचा देंगी, और सारी डिशेस इधर उधर लोटपोट हो रही होंगी, और एंड में मैं और बनी और दिलजी बचेंगे जिनको वहाँ बिल पे करना होगा, और एंड में हमारे पास कुछ पैसे नहीं बचे होंगे, और हम वहाँ पर जो है वो प्लेटें और बर्तन धोएंगे और ये सारे लोग वहाँ से फरार हो जाएंगे। तो बड़ा एक समा होगा देखने वाला। और जब हम साथ मिलके जाएंगे तो हम वहाँ क्या क्या ऑर्डर करेंगे,
पेश करते हैं आपकी नजर में। हया कह रही है आरजे जहर लेना पसंद करती है आपके साथ। मेरे साथ मत जाइएगा, मैं आपके साथ जाऊंगा ही नहीं, तो आप ये खुशफहमी में मत रहे कि आप जहर लेंगी, मैं वो भी नहीं दूंगा आपको। मजाक कर रहा हूँ। इसके साथ जो है वो आप जरूर जाइएगा, और बिल्कुल आप जाएं, और आप मेरे साथ जा सकती हैं, हम सब जा रहे हैं, तो इट्स ओके, आप भी चल सकती हैं हया, नेवर माइंड ऑन दिस, और मोस्ट वेलकम। आप जहर लेना पसंद करेंगी, खा मैं लूंगा, पसंद कर लीजिएगा, मरूंगा मैं उसके बाद भी नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ शोज करने होते हैं। इसके साथ मैं आपको बताता चलूं कि मैं जो मेन्यू हम लोग यहाँ जा रहे हैं अभी इस वक्त होटल में, कौन कौन लोग हमारे साथ जा रहे हैं। साइलेंट हमारे साथ जा रहे हैं, हया जा रही हैं, रिम जा रही हैं, कार्ले जा रही हैं, जिनको इंग्लिश आती है वो इंग्लिश में ऑर्डर करेंगी। हम क्या क्या ऑर्डर करेंगी कार्ले, हम आप बोलेंगी हमको इंग्लिश नहीं आता है, सो प्लीज ब्रिंग वन चिकन टिक्का, चिकन मलाई टिक्का, चिकन ग्रीन टिक्का, चिकन बॉडी प्लेट, चिकन बारबेक्यू प्लेट, चिकन रेशमी कबाब, बिहारी बीफ बॉडी प्लेट, बीफ धागा कबाब प्लेट एंड बीफ गोला कबाब, और फिर साथ में चंदन कबाब, फेवरेट ऑफ कार्ले द डीजे ऑफ उर्दू मजा लॉबी। आप लोग अपने कार्ड दिखा सकते हैं साथ में उर्दू मजा लॉबी जब आप होटल में जाए। रिगार्ड्स हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी हमारे साथ चलने को अगर तैयार है उनको भी ले जाएंगे। रोमी जो वो भी हमारे साथ जा सकते हैं। आजकल जहर भी नकली आ रहा है ना, वो बोले बेचारा जहर नहीं होता, वो नकली जहर होता। एमन ने ज्वाइन किया, इनको भी वेलकम करते हैं। बनी कह रहे हैं आरजे आपकी चॉइस, मैं बिल्कुल बताना चाहता हूँ, ये भी हमारे साथ जा रहे हैं, और दिल जी हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी जाएंगे। एमन कह रही है आरजे मैं होटल नहीं मैं घर अपने फ्रेंड को इन्वाइट करूंगी, चने और पकौड़ों के साथ और पुदीने की चटनी के साथ, ठीक है। और होटल में मैं अल्फ्रेडो पास्ता जो है स्पाइसी हॉट एंड सॉर सूप एंड प्लेटर वो लेना पसंद करेंगी। क्या चॉइस है यार, मतलब बनी और दिलजी और मैं तो कंगाल, मतलब इस काबिल ही नहीं छोड़ेंगे कि रूम में आके वापस शो कर सकें। सितारा जो कि सबसे अच्छी बहन है, वो चुपचाप जो मिलेगा वो खा लेंगी, मुझे पता है, बिकॉज शी इज़ माई बिलव्ड सिस्टर एंड मैं उनकी गारंटी ले सकता हूँ। एंड रिम ने भी यहाँ पे कुछ लिखा था, काफ़ी टाइम बाद उनका कुछ डिलीट हो गया था, और मैं वो कमेंट ढूंढ रहा हूँ जो कि मुझे यहाँ पे नहीं मिल रहा है। और सारा अली मुझे कह रहे हैं आरजे रहम करो हमारे कानों, अच्छा ये तो और बहुत ऊपर चले गए, उनके कानों में रहम कर दिया था हमने, तो हम ढूंढते हैं रिम ने क्या लिखा था। रिम शाबाश, कायम दायम रखो, बेस्ट ऑफ लक, ओके बस भाई विशेज आ रही, क्या बात है। इसके साथ जो है वो मैं देखता जा रहा हूँ किन किन लोगों ने जवाब दिया, होटल ये सारे लोग जाने वाले हैं। इसरा ने भी ज्वाइन किया, अगर इसरा का कोई जानने वाला है तो उनको भी ले लेगा, वो बोलेंगे अकेले अकेले सब होटल चले गए, मुझे पूछा भी नहीं लोगों ने, कम वक्त हूँ बिगड़ता हूँ, बस दुआएं दे देंगे हम लोगों को साथ में ना, वो बोलेंगी अल्लाह करे तुम लोगों को खाना हजम ना हो होटल का। तो ये जो है ना, इसके साथ सारा अली में कह रही है आरजे होटल में जाने के ये UML का कार्ड के साथ, हाँ कार्ड के साथ जाएंगी आप सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए UML को, पैसे आपको फिर भी देने पड़ेंगे और वो हमें ही देने पड़ेंगे। मसनबी ने हमें ज्वाइन किया है, वालेकुम अस्सलाम कहते हैं इनको, और ये भी अगर हमारे साथ होटल जाना चाहती हैं और मेन्यू में क्या लेना चाहती हैं हमें बता सकती हैं। बनी बहुत जोर से हंस रहे हैं, कह रहे हैं अजय रिम रेड कार्ड है, मर्जी आपकी, बाकी वक्त ही निकाल दो, अभी वक्त ही निकाल दो, ये कार्ड टूवर्स है, ये कार्ड टूवर्स है, ये निकाल दो, ये रिम रेड कार्ड है, मतलब बनी ने इशारा दे दिया है ये सबसे पहले फरार होंगी। हया कह रही है आरजे दाग देग मंगवा लेंगे, हाँ ये भी सही, लंगर बट रहा है ना वहाँ तो होटल में, तो वो तो देग ला के देगा हम लोगों को। क्या ऑर्डर किया आपने हया, माइंड ब्लोइंग। इसके तहत दिलजी कह रहे हैं नाइस शो आरजे, सून विल डू कंबाइंड शो, इट्स रियली ऑनर टू मी टू डू अ कंबाइंड शो विद मासी मस्ताना एंड दिलजी ऑन द रेडियो फॉर द मजा लॉबी, आई लव यू मैन। इसके साथ मसनवी को आते ही भूख लग गई, कह रही है आरजे भूख तो लगी है मुझे बहुत, बस ठीक है फिर मेन्यू बता दें आप, सब लोग जाने के लिए रेडी हैं होटल में, आप लोग भी साथ में बता रहे हैं। नहीं मैं डीसी नहीं हुआ, जिन जिन का रेडियो रुक रहा है वो रिफ्रेश कर सकता है। और इसके साथ जो है हम थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे, और मैं मेन्यू में क्या लेना पसंद करूंगा डेफिनेटली विल शेयर, हमने कार्ले का यहाँ पे शेयर किया था। अच्छा हमारे साथ साइम ने ज्वाइन किया, इनको भी वेलकम करते हैं अपने शो में। एंड रोल आइटम भी हैं हमारे पास यहाँ, जो जो लड़कियाँ रोल खाना चाहती हैं ये लड़के वो भी बता सकते हैं, रोल आइटम हमारे पास मौजूद हैं, चिकन रोल, चिकन मलाई रोल, चिकन कबाब रोल, चिकन मायो गार्लिक रोल, चिकन मलाई मायो गार्लिक रोल, चिकन मलाई रोल, जद्दा जिस जद्दा का जो स्पाइसी चिकन रोल है वो भी, क्योंकि होटल का नाम जद्दा है, बीफ बोटी रोल उनको भी ये भी आप लोग ले सकते हैं एज वे टेस्ट, एंड स्पाइसी रोल भी ले सकते हैं, बीफ चीज़ रोल भी ले सकते हैं, बीफ कबाब रोल भी ले सकते हैं, तो ये आपके आइटम है। इसके साथ बिरयानी आइटम भी है यहाँ पे, जो मैं आप लोगों को बता दूँ लेडीज़ ज़्यादातर बिरयानी पसंद करती हैं खाने में, जैसे सारा ने हमें बताया था, तो इसमें बचिया बिरयानी भी मौजूद है, चिकन बिरयानी भी मौजूद है, चिकन बिरयानी डबल मौजूद है, सादा बिरयानी मौजूद है, सादा बिरयानी डबल मौजूद है, बचिया बिरयानी फी किलो जो है वो 500 रुपये की पड़ेगी, आप लोगों को अपने अपने कार्ड्स में देख लें कितना क्रेडिट दिया UML वालों ने, तो उसके हिसाब से लोग खर्च कर सकते हैं।
चिकन बिरयानी फी किलो 400 रुपए किलो पड़ेगी, पाव सिंगल जो है वो 150 की है, पाव डबल जो है 290 रुपए की है, और साथ में पुलाव भी मिल रहा है फी किलो 400 रुपए। अगर कोई लड़की ना खाना चाहे बिरयानी तो पुलाव को भी ले सकती है साथ में। उसके साथ मिल रहा है बीफ पुलाव सिंगल 200 रुपए का बीफ पुलाव, डबल जो है वो 400 रुपए का बीफ पुलाव, और जो है साथ में वो 500 रुपए का मिल रहा है फी किलो। इजाफी आइटम में आप लोग ले सकते हैं चपाती, पराठा, रायता, सलाद, रेगुलर कोल्ड ड्रिंक, मिनरल वाटर, छोटा मिनरल वाटर, बड़ा क्रीम का जो कॉकटेल होता है वो भी आप ले सकते हैं, क्रीम का कॉकटेल 1 या 2 किलो में भी आप लोग साथ में हस्बैंड टेस्ट यूज कर सकते हैं। तो ये जो था वो आप लोगों के लिए कुछ मेन्यू थे जो मैंने आप लोगों के लिए पढ़े, और आप लोग डेफिनेटली इसको एंजॉय कर सकते हैं। मैं आता हूं एक और ट्रैक के बाद, और ये ट्रैक बड़ा जबरदस्त है, आप लोगों के इसको नाम करते हैं अपने जो खूबसूरत मेरे दोस्त यहाँ मौजूद हैं मेरे शो में, ये ट्रैक उनके नाम करते हैं। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल हु आर हियर लिसनिंग द उर्दू मज़ा लॉबी, लेट्स एंजॉय दिस ट्रैक टुगेदर, और आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, होटल की डिशेस आपका वेट कर रही हैं, आके मेन्यू दोबारा सेट करते हैं। और अगर आपका कोई भी मेन्यू आपका दिल चाह रहा है देने का तो आप हमें दे सकते हैं, हम उसको आकर वापस पढ़ेंगे। Stay tuned and keep listening the Vortex Show on Urdu Mazal Lobby. We will be right. रांझों से उनकी हीरे बिछड़ेंगी कितनी बार, ऐ काश अब किसी को होना किसी से प्यार। दुनिया बनाने वाले तूने ये क्या किया, दर्द क्यों दिया, आंसू की तरह एक दिन, आंसू की तरह एक दिन तो आंखों से गुजर के देख। ओ आसमान वाले जमीन पर उतर के देख,
ऑलराइट, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सब लोगों को वेलकम करते हैं, और यहाँ पर हमें ज्वाइन किया था एक यूजर ने जिनको हम कहते हैं मुश खान, और मुस्खान नाम है उनका, मुस्खान यानी मुस्कान भी कह सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम कहते हैं उनको अपने शो में। और आप भी अगर अपना कोई ऑर्डर देना चाहती हैं होटल में इस वक्त, और क्या आपका मेन्यू है, क्या पसंद करेंगी, तो वो डेफिनेटली हमारे साथ शेयर कर सकती हैं। रिम को मैं कहूँगा सॉरी फॉर नॉट रीडिंग योर कमेंट, एंड वो काफ़ी ऊपर चला गया था और लोगों ने बड़े जज्बाती ऑर्डर कर दिए थे, बीच में टेबल पर रायता सलाद सब कुछ फैला हुआ था, तो आई एम नॉट बी एबल टू रीड योर कमेंट, बट मैंने उसको फाइंड आउट कर लिया था। बट स्टिल यू डूइंग अ वंडरफुल जॉब दैट पेस्टिंग दैट कमेंट अगेन टू मी। और रिम कह रही थी कि वो होटल पे उनका सबसे डिसेंट कमेंट आया है यहाँ पे, एंड रिम कह रही है कि आई वुड लाइक टू गो विद उन्हो। ये उनको प्यार से बोलती हैं जो इनके होने वाले हस्बैंड हैं, और आप लोगों के भी होंगे और आगे जाके इन फ्यूचर, और जो लड़के हैं उनकी वाइफ्स होंगी इन फ्यूचर, तो आप मतलब आप लोग भी ये बात कह सकते हैं। तो रिम कह रही है कि आई वुड लाइक टू गो विद माई उन्हो एंड वुड लाइक टू ऑर्डर चिकन तंपूरा एज ए स्टार्टर, ओके, एंड मशरूम भी साथ में वो ऑर्डर्स करेंगे। एंड पहली बंदी मैंने यहाँ देखी है जो मेरे अलावा यहाँ मशरूम खाती है, किसी को नहीं पता होगा मशरूम द छतरी जो जंगल में आप लोगों को मिलती है। देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मशरूम्स इन दिस वर्ल्ड, कुछ खाने के होते हैं कुछ जहरीले होते हैं, एंड रिम को मशरूम पसंद है तो ये खाने वाले हैं तो इनको मिल जाएंगे इजिली। एंड उसके साथ वो ऑर्डर करना चाहेंगी टैरागॉन चिकन, अच्छा सही है। इन्होंने पहले चिकन तंपूरा एज स्टार्टर इन्होंने ऑर्डर किया, फिर मशरूम एंड टैरागॉन चिकन विद राइस, मतलब खाने की शौकीन है माशाल्लाह, एज मेन मील यानी इनका ये मेन मील होगा विद स्प्राइट द चॉइस द थर्स्ट क्विंचर स्प्राइट। इसके साथ बनी हमसे कह रहे हैं प्लीज एक डबल रोम फॉर रिम विद टेस्ट स्प्राइट, ठीक है जी, दो चाय लाना भाई छोटे मलाई मार के। उसके साथ जो है वो हया कह रही है आरजे देख सबको खिला देना, जो साथ आ जाए खिला देना, हम मतलब लंगर बांटने थोड़ी जा रहे हैं वहां पे, देख मैं खिला देता जरूर, मगर वो सब उसी के अंदर चले जाते, देख में कोई आता भी नहीं, ना खाना उनको मिलता ना बोटी ढूंढते रहते कहां गई, तो देख का तो कोई सवाल ही नहीं होता है। आपको टेबल पे सर्व किया जाएगा, उसमें आप जो ऑर्डर करना चाहती हैं वो बता दें, देख टेबल पे नहीं रखी जा सकती। इसके साथ जो है वो मासनवी ने हमें आते कह दिया कि मुझे आइसक्रीम खानी है, जी ठीक है बिल्कुल आप खाइए आइसक्रीम, कौन सा फ्लेवर खाएंगी वो हमें बता सकती हैं। और दिलजी कह रहे हैं आज वोट इट्स माय प्लेजर श्योर, मासी मस्ताने के बगैर कोई शो हो नहीं सकता, बिल्कुल यार उसकी भी मुझे बड़ी कमी महसूस हो रही है इस वक्त। सारा अली कह रही है आरजे बस करो मुझे डबल भूख लग गई है अब यार, ऐसे ही तो होता है यही तो बात है। मैंने सोचा आज का वीकेंड का खाना मैं जाऊंगा तो बाहर खाने, बट उससे पहले आई वॉन्ट टू ईट द डिनर और अ मील विद माई फैंस। तो भाई रिम ने तो साफ लाल झंडी दिखा दी कि वो अपने उन्हों के साथ जाएंगी, शी हैज नो इंटरेस्ट टू गो विद द पीपल ऑफ UML और विद अस। तो ठीक है जी रिम, हम आपके लिए बहुत सारी दुआ करते हैं, और हम आपको आप जाना चाहती हैं आप बिल्कुल जाइए और डेफिनेटली जाएं, और हमने सपोजिंगली खाली कहा था, रियल में तो वाकई यहाँ कोई भी नहीं जाएगा, बट नाउ एज वी आर इन द इमेजिनरी वर्ल्ड तो वहाँ आप जा सकती हैं, और उन्हों की जगह अगर रिम हमारे साथ जाएं तब भी वो यही ऑर्डर करेंगी और अपना खाना अलग बैठ के खाएंगी। और मैं आप लोगों को रिम की खास बात बता दूं, ये अपना खाना किसी से शेयर नहीं करती, इनफैक्ट शी गो विद हर हबी एज वेल, ये सारा खाना खा के जो हड्डियां और जो बाकी चीजें बचेंगी वो हबी को देंगी, ये तुम खाना और बिल पे करके आना मैं घर जा रही हूँ, ये रिम का एटीट्यूड है। एज यू नो शी इज अ प्रिंसेस ऑफ UML, तो ये उनकी एक अदा है आप कह सकते हैं, उनका एक टैलेंट है। और रिम कह रही है तौबा आरजे की चार्जिंग उतारो चार्जिंग तो इतनी, ये खाना खा के आज सबने चार जान लगा दिए। एमन कह रही है आरजे 280 kg की खाने 280 kg की खाने घर चली जाएंगी या पैदल चलते हुए वापस। इसके साथ जो है वो और कौन कौन खा रहा है भाई, अजीबो गरीब रायते और डिशेज और बिरयानी और टिक्का और उसके साथ रोल और चिकन तंपूरा और टैरागॉन और मशरूम सब बिखरे पड़े हैं यहाँ पे इस वक्त टेबल ऑफ UML पे, और सब लोग जो है अपने अपने डिशेस को एंजॉय कर रहे हैं और बता रहे हैं हमें साथ साथ कि कौन कौन क्या क्या खाएगा। रोमी कह रही है मसनवी 6 स्कूप्स आइसक्रीम खा के क्या करना, मसनवी को 6 स्कूप्स आइसक्रीम खाना था नहीं पूरा एक बाउल भर के, तो रोमी उनसे सवाल कर रहे हैं कि आप 6 स्कूप्स खा के क्या फेस वॉश करना है आपने, बिल्कुल गुड क्वेश्चन है, हो सकता है वो आइसक्रीम मुंह में भी लग जाए, मूछे बन जाए मसनवी की तो वो लड़का लगने लग जाए, तो ऐसा भी हो जाता है ना लड़कियों को कभी बाजू का ऐसा होता है खाना खाने आइसक्रीम खाने का होश नहीं होता, बड़ी तलब हो रही होती है आइसक्रीम की, जब वो खाना स्टार्ट करती हैं तो मुंह पे मूछे बन चुकी होती हैं वाइट पेंट डिस्टेंपर, जब उठती हैं तो फिर उनकी अम्मी कहती हैं चुपचाप से ना ये क्या मुंह पे क्या लगाया हुआ है साफ करो उसको, अच्छा कहाँ लगा हुआ है, अब वो देख रही है पूछ रही है राइट वाली मूछों पे लगा हुआ है लेफ्ट वाली मूछों पे लगा हुआ, अच्छा टिश्यू लिया फिर पूरा साफ किया थोड़ा सा खा भी लिया टिश्यू ना साथ में आइसक्रीम का फ्लेवर उसमें भी आ रहा था, तो लड़कियां यू नो आइसक्रीम से उनको शुरू से ही आ रहा है।
दिल जी कह रहे हैं ऑर्डर आरजे वोटेक्स, दो बिरयानी प्लेट, वन चिकन विंग्स, वन बॉटल ऑफ कोक। हाँ भाई छोटे लेकर आना, इसके साथ हलीमा और साइलेंट मिशन ज्वाइन किंग को करते हैं वेलकम। आ रहा है आपका ऑर्डर, आ रहा है बनी, आप वेट करें, सॉरी दिल जी आप थोड़ा सा वेट करें, आपका ऑर्डर आ रहा है, बनी का भी आ जाएगा। और उसके साथ मुस्कान ने ज्वाइन किया, मुस्कान ने अभी तक मेरे को डिश नहीं बताई है, मैं सारे ऊपर तक चला गया था देखने के लिए कि कौन कौन से डिशेज यहाँ मौजूद हैं, और सब जो है वो खूब हंस रहे हैं। एमन कह रही है नाइस शो, थैंक यू सो मच आरजे भंगड़ा वोटेक्स ऑन एयर, थैंक यू सो मच एवरीवन हु इज लाइकिंग द डिशेज एंड द शो टुनाइट ऑन उर्दू मज़ा लॉबी। वेलकम करते हैं आप लोगों को एक बार फिर से, सितारा भी हमारे साथ वापस आ गए, इनको भी वेलकम करते हैं। एंड लोग हंस हंस के लोट पोट हो रहे हैं, किसी के मुंह पे आइसक्रीमें लगी हुई हैं, रिम के जो है वो चिकन उनके बालों में लगी हुई है, और बनी जो है वो कार्ड के चक्कर में भी सोच रहे हैं कि मैं बिल कैसे पे करूंगा। एंड दिल जी ने जो है जो ऑर्डर किया है उनके मुंह में पानी आया हुआ है, वो वेट कर रहे हैं अपने ऑर्डर आने का। मसनवी ने अपनी आइसक्रीम से जो है मुंह पे पूरा एक तरीके से सजा लिया है, डिस्टेंपर हो गया उनका, व्हाइट कलर का उनका चेहरा हो गया, तो अब उनको क्रीम व्रीम लगाने की जरूरत नहीं है। रिम कह रही आज यू टैकल बैट्स कम इन वेरी ब्यूटीफुली, बिल्कुल यार उनका भी दिल है, बैट कमेंट्स मतलब इतनी तुम आप सोचे वो इतना नोटिस करते हैं ना हमें, मतलब कुछ तो है ना बात हमें, वरना कौन हमें इतना नोटिस करेगा। हेटर्स लव मी मोर देन माय लवर्स, तो यहाँ पर जो है बैड कमेंट्स की बात हो रही थी, सॉरी हेटर्स कोई भी नहीं। और असम ने ज्वाइन किया, असम को वेलकम करते हैं, वार जे यू गॉट मी, नहीं नहीं वी नॉट वी डोंट गॉट यू, सॉरी आप जाएंगे अपने हबी के साथ ही, आपने यहाँ पर जो है हम लोग अभी सब सब जा रहे थे साथ, तब हम नखरे यार क्या? अच्छा भाई चल लेना फिर अभी मुंह आ जाएगा सेट फेस बना हुआ। तो इसके साथ इनकी जो पार्टनर है सारा लियो कह रही है आरजे ये रिम का हबी अभी पैदा ही नहीं हुआ, मैं जब ही तो बोल रहा था अभी चल लो, पता नहीं बाद में वो इजाजत दे नहीं दे, रिम की जो गोल्डन डेज है वो पता नहीं बाद में मतलब मैं दुआ करता हूँ कि वैसे ही रहे, लेकिन बहुत से लोगों के डेज जो है वो चेंज हो जाते हैं शादी में, बाद में जो है ना वो उनके लिए वो कैदी बन जाते हैं, तो ऐसा ना हो अल्लाह ना करे किसी के साथ। रेड एप्पल ने हमें ज्वाइन किया, रेड एप्पल को वेलकम करेंगे, इट्स ऑल्सो अ फ्रेंचाइज एंड रेड एप्पल आपके रोल बहुत ज्यादा मशहूर है हमने सुना है ऐसा। और बाय द वे कराची में जो है जिंगर इस वक्त 280 रुपए का मिल रहा है, और लाहौर में अगर आप लेंगे तो सस्ता पड़ेगा आपको, लेकिन टिकट का जो किराया लगेगा वो महंगा पड़ेगा आपको, 180 रुपए का जिंगर पड़ेगा। और जिंगर्स के लिए आप दो बेहतरीन शेफ से लाहौर में राब्ता कर सकते हैं जिनका नाम है रिम और साथ में एमन। और यहां पर साइलेंट जो है वो कर्जार बन गए हैं, उनको वेलकम करते हैं। खाकसार इज ऑल्सो हियर, द ब्यूटी ऑफ पोएट्री इज ऑल्सो अराइव ऑन उर्दू मज़ा लॉबी। खाकसार मेन्यू में क्या लेना चाहेंगे पोएट्री के अलावा, आप हमें कोई भी डिश हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हम आपको जरूर उसमें ऑफर करेंगे। तो राइट नाउ हम एक और यहाँ पर ट्रैक ले रहे हैं, और उसके जाने से पहले मैं यहाँ पर कह दूँ क्योंकि कोई आरजे अगर आ जाए तो मुझे जाना पड़ेगा, तो आई हैव टू से वन थिंग अबाउट PSL टुडे इज अ कराची का जो मैच था, और उनको जो है वो जीतने का जरूरी था, एंड आई होप कराची जो है वो जीत जाए बेचारा, क्योंकि वो सारे मैच ऑलमोस्ट हार गए, और आमिर की यहाँ पर वापस आ गए और वो भी खेल रहे हैं, तो लेट्स सी क्या डिफरेंस आया टीम में, दो चार खिलाड़ी और भी आ रहे हैं बाहर से जो कि हिस्सा लेंगे आहिस्ता आहिस्ता। एंड थैंक्स टू द पैरा ट्रूपर्स फॉर प्रोवाइडिंग द सिक्योरिटी टू द PSL स्टेडियम, थैंक यू पाकिस्तानी आर्मी एयरफोर्स नेवी टू सिक्योर PSL इन पाकिस्तान। अपने मुल्क की फौज से मोहब्बत करें, अपने पाकिस्तान से प्यार करें, इसके हर एक सूबे से प्यार करें, और अपने वालदेन से प्यार करें, अपने भाई बहनों से प्यार करें, अपनी मोहब्बत से प्यार करें, और उसके बाद जो फरिश्ते आ जाएं उनसे भी प्यार करें, और अगर एंड में थोड़ा बहुत प्यार बच जाए तो वो खुद से भी करें, बहुत शुक्रिया। और इसी तरह होटल में खाना खाते रहें और हमारे साथ इन्जॉय करते रहें। मेरा टाइम जो है वो अप हो गया, ये लास्ट ट्रैक है जो मैं अपने फैंस के लिए डेडिकेट करना चाहूंगा, डेफिनेटली यू गाइस आर इन्जॉयिंग। जिसने डिनर नहीं किया वो जाकर अपने घर में अपनी फैमिली के साथ डिनर कर सकता है, या अकेले भी कर सकता है। लास्ट ट्रैक है, आई होप आप लोगों को ये पसंद आएगा, उसके बाद हम उससे चाहेंगे इजाजत। स्टे ट्यून, कीप लिसनिंग आरजे वोटेक्स ऑन उर्दू मज़ा लॉबी, लेट्स एंजॉय द ट्रैक टुगेदर इन द होटल ऑफ उर्दू मज़ा लॉबी। एंड PSL के हवाले से बनी हमसे कह रहे हैं कि PSL इज ऑल्सो इन द सेकंड नंबर, इंशाल्लाह इट विल बिकम फर्स्ट नंबर, जिस तरह से उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, दे गॉट रियली ब्यूटीफुल टैलेंटेड पीपल टू सपोर्टिंग PSL इन पाकिस्तान, थैंक यू सो मच।
जुनू 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 करते हैं फिर से सबको। ये लास्ट ट्रैक था जो हमने चाहने वालों के लिए यहाँ पेश किया और आप लोगों ने इसको एंजॉय किया। दिस इज वेरी कूल। फैसल ने हमें ज्वाइन किया, इनको साथ में करेंगे वेलकम। टोक्यो इज फ्रॉम जापान इज आल्सो अराइविंग ऑन उर्दू मज़ा लॉबी, इनको भी करते हैं वेलकम। थैंक यू सो मच फॉर द कॉन्स्टेंटली गिविंग टिकर ऑन द मेन चैट बाय बनी एंड ही इज राइटिंग ऑन द स्टिकर आरजे भंगड़ा शो विद द डिलीशियस डिशेस आरजे वोटेक्स। ये सब आपकी मोहब्बत है एंड आई एम मिसिंग हार्टलेस हियर, ही इज आल्सो अ हिलेरियस पर्सनैलिटी। और कार्ले ने भी हमारे साथ खूब एंजॉय किया, विच इज रियली गुड। एंड हसल इज सेइंग आई एम बैक विद टर्मिनेटर, और टर्मिनेटर बनकर वापस आ गए हसल, आपको करते हैं वेलकम एंड कीप प्रोटेक्टिंग द पीपल लाइक टर्मिनेटर अराउंड यू इन दिस वर्ल्ड। इसके साथ करजार हमारे साथ मौजूद है, उनको वेलकम करते हैं। और मैं थोड़ा सा यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ अभी, क्योंकि देर इज नो आरजे हेयर ऑन द रेडियो, सो आई कीप सपोर्टिंग यू गाइस टिल आई वेट फॉर द आरजे और अ डीजे। अगर आप में से कोई करना चाहता है तो काइंडली मुझे एक्नॉलेज कर दीजिएगा ताकि मैं हट जाऊं, क्योंकि यहाँ पे चार जॉकीज इस वक्त मौजूद हैं, सारा अली, कार्ले, बावा जी, बनी। आप में से अगर कोई यहाँ पे आकर शो करना चाहता है तो डेफिनेटली आई गिविंग यू अ मोस्ट वेलकम ऑन द रेड कार्पेट ऑफ द उर्दू मज़ा लॉबीज रेडियो। और यप, ही इज बिजी इन ऑफिस हार्डलेस, यस, से माय हेलो टू हिम, ही इज रियली अ
great personality as well, and a very very funny guy, and I really like his shows as well. तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास अब कौन नेक्स्ट आरजे आता है वो हम देखते हैं. तब तक के लिए मैं यहाँ एक और ट्रैक की तरफ जाऊंगा, और ये बड़ा सूदिंग एंड ब्यूटीफुल ट्रैक है जो मैं आप लोगों को सुनाना चाहूंगा. तब तक के लिए आप लोग इसको एंजॉय करें, मैं आता हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद. एंड मैंने जब शो की ऑफर करी तो यहाँ पर एक बड़ा फनी कमेंट आया जो कि फैसल ने हमें दिया. बड़े क्यूट से कमेंट ये करते हैं, आरजे मैं शो करना चाहता हूँ अपने ताश के पत्ते, यानी आप रॉयल फ्लश करना चाहते हैं, पोकर खेल रहे हैं आप. कोई बात नहीं, आप शो करें पत्ते, मैं आता हूँ जरा इस ट्रैक के. तनु इतना मैं प्यार करा एक पल विच साबा. सो फाइनली हया को हमारी डिशेज और ट्रैक पसंद आ गई हैं, एंड शी इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन वन ऑफ माय फ्रेंड्स और फैंस हियर ऑन उर्दू मजा लॉबी. थैंक यू हया फॉर लाइकिंग द शो एंड लाइक द ट्रैक एज़ वेल. तू जावे जे मैनु छड़ के मौत दा इंतजार करा कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है तुझ पे ही सांस आके रुके. मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके. तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है तुझ पे ही सांस आके रुके. मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके. छोड़ दी है तुझ पे ही सांस आके रुके. मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके. ऐसा नहीं लग रहा कि हम एक इंस्ट्रूमेंटल बज रहा होता और शादी में हम लोग खाना खा रहे होते हैं, और यहाँ पर अभी यूएमएल पे खाना खा रहे और एक इंस्ट्रूमेंटल प्ले हुआ वॉइस ट्रैक के साथ. वेरी सूदिंग ट्रैक. तेरी और मुझको लेके चले ये दुनिया भर के सब रास्ते. मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके. तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है तुझ पे ही सांस आके रुके. मैं
तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके। ऑलराइट, वेलकम करते हैं, वाइपर्स ने हमें यहाँ ज्वाइन किया है, वाइपर्स को करेंगे वेलकम अपने शो में। और अलादीन ने हमें ज्वाइन किया था, अलादीन को वेलकम करेंगे। वो थोड़े से नाराज लग रहे हैं और कह रहे हैं मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं नाराज हूं और जिससे बोलना था वो कुछ नहीं बोल रहा। कोई बात नहीं, वो आपसे बात कर लेगा थोड़ी देर बाद। अलादीन, आप न्यू ज्वाइन हुए हैं उर्दू मतलब लॉबी में, तो आपसे आपके आहिस्ता आहिस्ता सब जो है ना वो दोस्त बन जाएंगे यहाँ पे। और अभी जो है ना वो आए हैं यहाँ पे, तो डेफिनेटली हम आपके लिए जो है ना वो एक ट्रैक प्ले करेंगे। अलादीन, एक प्ले ट्रैक लेकर आना भाई अलादीन के लिए, और साथ में एक जिंगर भी ले आना, कह रहे मुझे कुछ खाना है। तो आज का जो टॉपिक था वो हमने होटल में अपने जो है काफ़ी सारा खाना बच गया है और काफ़ी सारा खाना भी बन रहा है। तो अलादीन के लिए हम एक जिंगर ऑर्डर करते हैं यहाँ पे और साथ में एक ट्रैक ऑर्डर करते हैं जो अलादीन जिंगर खाते हुए इन्जॉय करेंगे, और आप सब लोग भी उस ट्रैक को साथ इन्जॉय करें। और ये एकॉन का ट्रैक है, बड़ा ज़बरदस्त ट्रैक है, और डीजे कार्ले जो है पावर पफ गर्ल बन चुकी हैं यहाँ पे, और टोक्यो ने भी ज्वाइन किया है। एंड उनको भी अगर कोई ऐसी डिश मौजूद है जो टोक्यो को पसंद है तो हमारे साथ शेयर कर सकती हैं एज अ टॉपिक, हम उसको ज़रूर ऑर्डर करेंगे और टोक्यो को डिलीवर करेंगे। तब तक के लिए हमें यहाँ पर एक ट्रैक जो है मंगवाया है अलादीन के लिए, और उनको साथ में एक जिंगर ऑर्डर किया है उनके लिए, तो वो खा के इस ट्रैक को ज़रूर इन्जॉय करेंगे और हम लोग भी थोड़ा सा इन्जॉय करते हैं और पार्टी करते हैं क्योंकि शो का एंड है। तो वी जस्ट प्ले द ट्रैक्स फॉर योर मूड्स टू गिव सम एनर्जी टू देम विद द फूड। तो फैसल कह रहे हैं आज मेरे लिए पैरी पैरी मंगवा दें, ये कौन सी डिश होती है यार, वो बूंदियां तो नहीं मंगवा रहे वो जो रात शाम में समोसे की दुकान में मिलती है, जलेबी इमरती रखी होती है, नमक पारे होते हैं, समोसे होते हैं, आलू वाले होते हैं, कीमे वाले होते हैं, साथ में बूंदियां होती हैं, रेड ग्रीन ब्लू बॉल्स, गैलेक्सी बॉल्स बोलता हूं मैं उनको, अगर वो मंगवाना चाह रहे हैं आप तो वो बता दें। वो इस टाइम तो नहीं मिलेंगी आपको फैसल, आपको इस टाइम पे मिल जाएगा चिकन टिक्का बिरयानी एंड दी अदर स्टफ्स। तो आप वो अगर चाहें तो मेन्यू आपको हम बता देते हैं साथ में, आप वो भी उसमें भी जो है वो देख कर मंगवा सकते हैं। और रोल्स भी हमारे पास मौजूद हैं चिकन के, तो वो भी अगर आप खाना चाहें फैसल तो वो भी आप बता सकते हैं। एंड मुझे सिर्फ उससे कहना है, उफ ये सीरियसनेस, तो हम अच्छा जी, तो ये जो हम ट्रैक अप लेकर जा रहे हैं ये डेफिनेटली जिन जिन लोगों ने ऑर्डर किया, जैसे फैसल ने बूंदी ऑर्डर करी है और हमने एक जिंगर जो है अलादीन को दिया है उनके लिए मंगवाया है, तो बाकी सबके लिए भी ट्रैक, तो बाकी सब इंजॉय कर सकते हैं लेकिन ये दो डिशेस ये लोग इंजॉय करेंगे। टोक्यो ने भी हमें दे दिए यहाँ पे एक डिश ऑफर कर दी है, कह रही है अर्जेंट चिकन टिक्का फॉर मी, ठीक है लेग पीस खाएंगी चेस्ट पीस खाएंगी दोनों में से कोई एक बता दें ताकि मैं वो ऑर्डर कर दूं। दोनों ले आना लेग पीस चेस्ट पीस, क्योंकि टोक्यो खुद ही प्रिफर कर लेंगे उनको क्या खाना है, विद सलाद विद सम रोटी एंड रायता और चटनी, वो भी साथ ले आना। टोक्यो जो है ना आज हमारे साथ होटल में आई है, UML के दावा देंगी और ये हमारे साथ जो है वो खाना पसंद करेंगी इस डिश को। और हया जो है वो सब पे नजरें लगा रही हैं, वो भी हंस रही हैं वहाँ से। रिम जो है वापस आ गई हैं चिकन तंपूरा लेके, साथ में कुछ मशरूम्स और टेरागोन चिकन साथ में, के उनकी सबसे बेस्ट डिश है और वो खा रही हैं और इन्जॉय कर रही हैं साथ में। तो चलते हैं ट्रैक की तरफ और आते हैं एक छोटे से ट्रैक के बाद जो हम नाम करने वाले फैसल और अलादीन के लिए स्पेशली, क्योंकि दोस्त गाज आर रियली सैड और ये अपने जिंगर और बूंदियां खा रहे हैं और साथ में इस ट्रैक को एंजॉय करेंगे। मिलेंगे छोटे से ब्रेक। एंड बिफोर आई गो विद दिस ट्रैक, वी गो विद दिस ट्रैक, वी मस्ट वेलकम टू पीच ऑन उर्दू मजा लॉबी रेडियो। Let's party tonight on Urdu Mazal Lobby with RJ Vortex and his show with his friends and fans and family. I have no cash, I have no job.
Welcome Peach and the star Selena. Both are arriving on the hotel of Urdu Mazal lobby. अपनी अपनी मनपसंद dishes हमें order कर दें और हम आपके लिए order करेंगे, क्योंकि आज का जो menu है topic का वो यही है कि अगर आप हमारे साथ hotel जाएंगी तो क्या खाना पसंद करेंगी. Let's enjoy the track. Back to the party. ओए छोटे, एक कोक की बोतल देना सामने वाली टेबल पे, टोक्यो बैठी है. The orders are still coming on Urdu Mazalami. वेलकम करते हैं एक बार फिर से सबको जो हमारे साथ मौजूद हैं होटल ऑफ उर्दू मज़ल लॉबी में और अपनी अपनी डिशेज हमारे साथ ऑर्डर कर रहे हैं. और यहाँ पर जो है फैसल ने ऑर्डर किया है 2 गोल्ड लीफ और 1 स्प्राइट भी ऑर्डर कर दें. फैसल देखें, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, वजारत सेहत हुकूमत उर्दू मज़ल लॉबी. अगर आपको सिगरेट्स का इतना ही शौक है तो आप जो है वो बाहर जाकर पी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे स्टार अराइव हुए हैं तो दे हार्डली लाइक द स्मोक ऑफ द सिगरेट्स, यू नो दैट मैन. सो प्लीज आप जो है बाहर जाके पी सकते हैं. एंड आई विल गिव यू माय कंपनी कार्ले को. ओ वेटर, हे वेटर, प्लीज ब्रिंग 1 लेमोनेड टू आवर बिलव्ड डीजे कार्ले. उनके लिए एक लेमोनेड लेकर आए ताकि उनका गला जो है वो ठंडा हो और वो अच्छे अच्छे और दिमाग भी, तो वो साथ में अच्छे अच्छे ट्रैक्स प्ले करें. कार्ले इज अ वन हु इज नॉट ऑर्डरिंग एनीथिंग, बट उन्होंने सबको यहाँ खाते हुए देखा और अपने लिए कुछ ऑर्डर नहीं किया. तो नाउ आई रियलाइज कार्ले इज लेफ्ट अलोन एंड सिटिंग ऑन द कॉर्नर ऑफ द होटल एंड द अदर पार्टीज आर एंजॉइंग टुगेदर. सो कार्ले के लिए एक लेमोनेड फ्रेश लेकर आए प्लीज और उनको दें. शी इज फॉर वेरी गुड डीजे. और टोक्यो को तो कोक पी के इतना मजा आ रहा है, उसके बाद उन्होंने आइसक्रीम भी डन कर दे सर. हाँ भाई, एक मलाई मार के आइसक्रीम लेकर आना टोक्यो के लिए. तो ये जो है ना वो टोक्यो के लिए भी हमने आइसक्रीम मंगवा दी है हया गैरी की बेटा पार से. थैंक यू सो मच. अगर हया आप कुछ और भी खाना चाहती हैं तो बता दें, हम पैसे नहीं लेंगे. आप की पेटअप लिख रही है, मुझे लग रहा है आपको कुछ चाहिए खाने के लिए. तो इसके साथ जो है वो बनी इज लाफिंग, उन्होंने भी जो है वो कुछ मंगवाने के लिए कहा था लेकिन नहीं. आरजे साथ में हिदायत भी दे. ओके गाइस, तो यहाँ पर बड़ा मजा आ रहा है लोगों को. और रिम कह रही है थोड़ा पार्टी जैसा माहौल हो गया आज यहाँ पर, चैट रूम कम और खाने की डिशेज ज्यादा लग रही है. और मुझे पता है बिल्कुल ऐसे ही है यहाँ पे और बड़ा जबरदस्त माहौल है. और देखें वो देखें मेक लेमोनेड कार्ले को देखें आप कैसे एंजॉय करती है पिक्चर्स के साथ डिशेस को. फैंटास्टिक. इसके साथ जो है ना वो बनी कह रहे हैं आज उर्दू में बोले यहाँ पे और आधे तो मेडल भी पास नहीं है. ओके ओके ठीक है भाई, उर्दू में बोलते हैं अब सर, उर्दू में बात करेंगे. और रिम कह रही है आरजे हया के लिए हाजमूला ऑर्डर कर दे. हया पहले गुस्से में रहती है, हाजमूला कहीं फेंक के ना मार दे मुझे.
तो बहरहाल जिन जिनको हाजमोला चाहिए वो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बेस्ट होती है आफ्टर द फूड आप लोग ले सकते हैं, अगर आप में से किसी को भी गैस्ट्रिक इश्यूज हो रहे हो। और इसके साथ जो है सितारा कह रही है भाई ऑर्डर बस कर दें, आपका बिल बहुत ज्यादा हो गया है। आप फिक्र क्यों कर रही है मेरी बहना, हमें तो एंड में भागना है, जितने लोग यहाँ पार्टी में आए हुए मुझे तो शो बंद करना है, मैंने तो इनकी वजह से आज अपना खाना कैंसिल किया है दावत का। इनफैक्ट माई पेरेंट्स आर वेटिंग कि मैं वहाँ कब जाऊँगा और मैं कब खाना खाऊंगा एंड आई एम स्टिल नॉट गोइंग ओवर देयर। तो मैंने सोचा आज मैं अपने फैंस के साथ यहाँ खाना खाऊंगा, तो हम लोग खा रहे हैं एंड में हमें भागना ही है, टेंशन नहीं है, बाकी सब लोग बर्तन वर्तन धो लेंगे, टेंशन नहीं है, संभाल लेंगे बाकी के लोग। और यहाँ से शो बंद करने के बाद मैं जाने के बाद अपने लिए कुछ खाने का इंतजाम तो मैं कर ही लूंगा बाहर से, बिकॉज माई फ्रेंड इज ऑल्सो वेटिंग। तो मुझे खाने की और दावत की इतनी कोई सच टेंशन है नहीं। तो प्लीज उर्दू, हाँ मैं बिल्कुल बोलता हूँ आपके लिए उर्दू बोल रहा हूँ मैं, आई लव उर्दू, वी लव उर्दू एंड इट्स अवर ट्रेडिशनल एंड इंटरनेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान एज वेल, आई मीन डोमेस्टिक लैंग्वेज, हमारी कौमी नेशनल लैंग्वेज जो है उर्दू है। और टोक्यो मंगा रही है आरजे एक पास्ता प्लीज, ओके एक प्लेट पास्ता लाना छोटे, टोक्यो की टेबल पर रख देना। इसके साथ सलीना ने ज्वाइन किया है द स्टार ऑफ द ऑफिस एंड ऑल्सो शी इज हियर। तो हम सलीना को मेरी जो स्टोरी थी लास्ट ऑफिस वाली वो समझ नहीं आई, तो नाउ आई गिव सरप्राइज टू सलीना। सलीना सलीना आपके लिए भी कोई डिश हम मंगवा सकते हैं अगर आप कोई ऑर्डर करें, ये आपका ऑफिस नहीं है, हम आपसे पैसे नहीं लेंगे, यहाँ बाकी सारे लोग भी होटल में आए हैं, तो अपना मेन्यू आप हमें बता सकते हैं। सलीना हम सलीना से भी पूछ रहे हैं और आपके लिए हम स्पेशली जो डिश लेकर आ रहे हैं वो इंग्लिश में उस स्टोरी को लेकर आ रहे हैं। और फर्स्ट टाइम आई इंट्रोड्यूसिंग द इंग्लिश चैनल एज वेल एज द स्टोरी ऑफ उर्दू मजा लॉबीज हॉरर स्टोरीज, अगर किसी इंग्लिश में सुननी है तो वो जाकर मेरे चैनल पर सुन सकता है, आज ही आ जाएगी। और रुके करें आरजे एंड में पता चले मुझे बर्तन धोने पड़ते हैं, तो कोई बात नहीं लेडीज तो यू नो ना नहीं एक्सपर्ट होती हैं, और आप तो जापान से आई हैं, आप में कौन हाथ डालेगा, आप तो बस वहीं अपना पासपोर्ट निकाल के दिखाएंगे, बोलेंगे जाने दो भाई इनको, आ रहे हैं जापानीज बनना भी। उसके बाद जो है ना कार्ले ने जो है वो अच्छा भाई एक प्लेट कार्ले के लिए नूडल्स ऑर्डर करना, उन्होंने नूडल्स चाहिए उनको, वो पिक्चर से जवाब दिए, शी इज अ आर्टिस्ट हेयर जिफ आर्टिस्ट, उनकी जो जिफ्स होती हैं उसके थ्रू कार्ले से अगर आप बात करेंगे वो आपको लिख के नहीं बताएंगी, वो सिर्फ मेरा ही निक टैग किया उन्होंने आज तक, मैंने देखा टैग किया, वो पिक्चर से बताती हैं। हसल जो है वो जंगल में इस वक्त मंगल कर रहे हैं, उड़ते हुए जा रहे हैं पेड़ों की तरफ खाना खा के, थोड़ा सा इंजॉय कर रहे हैं जिंदगी को, विच इज रियली गुड। वैसे ही आप लोग टेंशन में रहते हैं तो मैंने सोचा आज थोड़ा सा हम हल्ला गुल्ला कर लें। और रिम कह रही है आरजे अम्मी से कहें शॉपर में डाल के आए दावत का खाना आपके लिए। ट्रस्ट मी, मेरे पास अगर पैसे भी ना हो ना और जॉब भी ना हो, मैं तब भी ये काम नहीं करवाऊँ अपनी मामा से बोल के कि आप बिरयानी मेरे लिए जो है मैं थैली में डाल के ले जाएगी, भूखा सो जाऊंगा मैं, तो ये यहाँ पर मुझे कोई खाना खिला देगा। तो बनी कह रहे हैं ये छोटा कौन है आरजे, मुझे तो फैल्कन लग रहा है, नहीं नहीं छोटा वो फैल्कन दुबई यू नो वहाँ पे सर्व कर रहा होगा आज उसकी वहाँ होटल पार्टी। और सलीना में कह रही है आरजे वेलकम थैंक यू सो मच, कार्ले ने बहुत सारी डिशेज ऑर्डर कर दी है, जिप्स कोई भी आप उनको बता सकते हैं, कार्ले इज ऑल्सो टेंडर फूड टेंडर ऑफ अवर होटल, तो आप कोई भी डिश कार्ले को बताएंगे, यू नेम इट कार्ले गिव यू अ जिफ ऑफ दैट डिश। थैंक यू सो मच कार्ले फॉर द कवर, कूल विल लिसन टू इट, थैंक यू सो मच। तो गाइस मेरा रूमी ने भी यहाँ ज्वाइन कर लिया, इनको भी वेलकम करते हैं। और मेरा होता है अब जो है ना वो जाने का टाइम नजदीक आ रहा है और एक आवर से ऊपर हो गया शो, तो मैं दूसरे आरजेस को रिक्वेस्ट करूंगा और डीजेस को वो आके शो करें और आप लोगों को एंटरटेन करें। मुझे दीजिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर, इजाजत, और अपना वीकेंड अपने चाहने वालों के साथ खुश रहिए और इसको भरपूर तरीके से मनाइए, एंजॉय करें पीएसएल अपने खाने को खाते हुए देखते हुए और अपनी लाइफ को भी, और खुश रहें चाहे आप कहीं भी हो विदाउट एनी रीजन, कुछ भी हो ओवरऑल इट्स ओके, इट्स ओके, वी जस्ट ईट इन द होटल टुगेदर और उर्दू मजा लॉबी लाइक, आज हमने जो एंजॉय किया साथ वो मोमेंट्स कभी दोबारा शायद वापस ना आए, तो वी मेक अ मोमेंट्स इन अवर लाइफ, लाइफ नॉट मेक अ मोमेंट टू अस। तो अगर आप बोर हो रहे हो तो आप इस तरह के कोई भी ऐसे हॉबी या कोई ऐसी चीज ज्वाइन कर सकते हैं जो आपको खुश रखे। सो आई प्रे फॉर यू टू द गॉड ब्लेस यू इन एवरी पार्ट ऑफ योर लाइफ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, साइनिंग आउट फ्रॉम द उर्दू मजा लॉबीज रेडियो एज आरजे वोर्टेक्स। और उम्मीद करता हूं आज का शो आप लोगों को पसंद आया होगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इसी तरह मुस्कुराते रहिए, कल हॉरर शो में 9 बजे आप लोग मुलाकात होगी न्यू स्टोरीज के साथ, और अगर आप लोगों के पास भी कोई स्टोरी हो तो यू गाइस कैन कम ऑन एयर लाइव ऑन कॉल एज वेल एज शेयरिंग द स्टोरी ऑन द पीएम विद मी एज वेल और व्हाट्सएप मी सेंडिंग, आपको नंबर मेरा जो है व्हाट्सएप का मिल जाएगा, यूट्यूब से जाकर कवर फोटो में लगा हुआ होगा, आप वहां से नंबर लेकर मुझे अपनी वॉइस में ऑडियो स्टोरी भेज सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, साइनिंग आउट, लास्ट ट्रैक डेडिकेटिंग टू एवरीवन, गुड बाय, अल्लाह हाफिज।
होटल में पार्टी वार्टी सब कुछ हो गई, चीफ गेस्ट सभी आए हैं, वी नेम इट लेडीज एंड जेंटलमैन, थिंक ऑफ अ एंजल एंड अ फाल्कन इज हियर, वेलकम एज अ चीफ गेस्ट ऑफ अवर पार्टी ऑफ यूएमएल टुनाइट। इनके लिए जितने लोगों ने जो भी खाना छोड़ा है वो साथ लाके रख दें, बिकॉज ये लेट हो गए हैं, ही इज टूरिंग द दुबई राइट नाउ, सो आप बाकी लोगों के साथ अपना खाना शेयर कर सकते हैं। एंजॉय द ट्रैक, फाल्कन के नाम ये ट्रैक करते हैं। एक्सक्लूसिव आरजे वोर्टेक्स एंड फाल्कन। हाँ वो फाल्कन छोटा ही था बन, और वो सब खाना जो सर्व किया वो फाल्कन ने। फाल्कन तेरे प्यार में जल रहा हूँ, तेरी याद में रो रहा हूँ। छोटे वेरी वेल डन टू सर्व द डिशेस टू द पीपल, गॉड ब्लेस यू, कीप एंजॉयिंग एंड ईट द शेयरिंग फूड विद द पीपल हियर ऑन उर्दू मज़ा लॉबी। एंजॉय द ट्रैक।